अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट जमन हुसैन एंड यू आर वॉचिंग जियो न्यूज लाइव। मैं बीमार था इसलिए यार वीडियो नहीं बना सका यार, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई तबीयत इसलिए मेरी ठीक नहीं थी क्योंकि भाई इरफान पीर ज़ादा ने कहा था भाईजान आप गाने गाया करो, आप बहुत ही अच्छा सुर निकालते हो। तो भाई दो दिन में सुर निकालते निकालते मेरी हालत ऐसी होगी, तो आइंदा से कभी भी सिंगिंग के बारे में तो कभी नहीं सोचूंगा मैं। तो भाई हम सिंगर तो नहीं बन सकते कभी, लेकिन यार एक रिव्यूअर अच्छे बन सकते हैं। तो भाई क्यों ना इस पर ही ज़्यादा मेहनत की जाए। तो चले आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले ऑनर के 9X को। आपको भी ऐसा लग रहा होगा ये नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। तो जी भाई ये है ऑनर 8X का बड़ा भाई ऑनर 9X, और ये पाकिस्तान में नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने जा रहा है। तो ऑनर 9X में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है? इसमें आपको चिपसेट वही किरण 710 देखने को मिलता है या इससे आपको अपडेटेड चिपसेट देखने को मिलता है? आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हवावे ने किरण 710 को 3 से 4 साल घसीटा है सारे स्मार्टफोन में डाल डाल कर, इसी तरह अब सारे स्मार्टफोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और भाई वो दिन भी दूर नहीं जब आपको 30,000 के नीचे भी पॉपअप सेल्फी वाले स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे। जब तक पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको 30,000 में पाकिस्तानी मार्केट में देखने को ना मिल जाए तब तक आप वेट करो। मैं ऑनर 9X का रिव्यू करके अभी आया। जो ऑनर की एक्सीज है यानी 8X 9X, ये सीरीज पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर रही है कुछ साल पहले, और इन सीरीज में आपको कैमरा पर बहुत ही ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है। क्योंकि इससे पहले जो ऑनर का 8X था उसमें आपको बैक पर 20 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता था, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ऑनर 9X ऑनर 8X से बड़ा भाई है, तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको कुछ तो सेम देखने को मिलना ही था। इन दोनों स्मार्टफोन में आपको डेप्थ सेंसर बिल्कुल सेम देखने को मिलता है बैक पर, आपको बैक पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन 9X में आपको बैक पर जो मेन लेंस है उसमें थोड़ा सा अपडेट देखने को मिल जाता है। 9X में आपको बैक पर 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता है, लेकिन आपको ऑनर 8X में 20 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिलता था। भाई 2 मिनट से ऊपर मैंने बोल लिया, किसी ने ये नहीं पूछा पानी पीना है आपने? कभी आप हमारे चैनल पे आओ तो आपको बताएं खातिरदारी कैसे करते हैं। तो भाई हमारी इस छोटी सी फैमिली में शामिल होने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब कर का बटन नज़र आ रहा होगा उसको प्रेस करना है, साथ में 1 घंटा नज़र आ रहा होगा उसको बजा देना है ताकि मुझे भी पता चल जाए आप हमारी फैमिली में शामिल हो गए हैं। ऑनर के 9X में आपको फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। जैसे ऑनर ने किरण 710 के चिपसेट को बहुत सारा एक साथ ही बनवा लिया था, इसी तरह आपको अब बहुत सारे पॉपअप सेल्फी कैमराज भी हवावे और ऑनर की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो चलो भाई किरण 710 से तो जान छुटी, अब 40,000 के नीचे आपको किरण 810 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा सारे स्मार्टफोन में। और ऑनर 9X पाकिस्तान में ऐसा पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको किरण 810 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और किरण 810 को अगर कंपेयर किया जाए परफॉर्मेंस वाइज किसी स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ में, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको स्नैपड्रैगन के 830 से अबव और 845 से नीचे देखने को मिलती है। इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही आउट क्लास होने वाली है, मतलब आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस अब 40,000 के नीचे भी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करूँ ऐसे फीचर्स की जो कि आपको ऑनर के 8X में पहले देखने को नहीं मिलते थे लेकिन अब आपको 9X में देखने को मिल गए हैं। पहला तो है टाइप सी केबल, आपको ऑनर 8X में माइक्रो USB देखने को मिलती थी। दूसरा है फिंगरप्रिंट स्कैनर। मुझे पता है आप सबको पता है कि ऑनर के 8X में फिंगरप्रिंट स्कैनर पहले मौजूद था, लेकिन इस बार उसकी जगह चेंज, तो प्यार करने वालों को अलग अलग कर दिया गया है। दोनों फिंगरप्रिंट स्कैनर में फासले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। जो ऑनर का 9X है उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ऑन ऑफ की देखने को मिलती है। और इसी तरह बात करूँ ऑनर 9X में बैटरी कैपेसिटी की, तो 9X में आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन ऑनर वालों को मैं यही सजेशन दूंगा यार, 4000 mAh की बैटरी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि 40,000 के नीचे ऐसे बहुत से स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको 4000 mAh से ज़्यादा बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। ऑनर वालों को अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि 10W वाली चार्जिंग अब फास्ट नहीं है। मिनिमम भी इस स्मार्टफोन में 15W या 18W वाली फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी।
और इसी तरह बात करूँ वेरिएंट्स की कि पाकिस्तान में इसके कितने वेरिएंट्स लॉन्च हो सकते हैं। पाकिस्तान में इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हो सकते हैं, जो कि एक है 4GB 64GB, दूसरा 4GB 128GB। 4GB 64GB की बात करूँ तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस 38 से 39K के अराउंड अबाउट हो सकती है, और जो इसके 4GB 128GB वाला वेरियंट है उसकी प्राइस पाकिस्तान में 40 से 41K के अराउंड अबाउट होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और आप ये स्मार्टफोन बाय करना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।